प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 5 साल में पहली बार प्रेस कॉन्फ्रेंस की, लेकिन उनकी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में जवाब में कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की और पीएम मोदी पर जमकर निशाना साधा। राहुल गांधी ने कहा कि मुझे यह कहते हुए गर्व हो रहा है कि हमने मोदी और भाजपा के खिलाफ लड़ाई लड़ी और हमारे संस्थानों की रक्षा की, यही हमारा मूल कर्तव्य है। कांग्रेस पार्टी ने मजबूती से विपक्ष की भूमिका निभाई। हमने मोदी की भ्रष्टाचार विरोधी सच्चाई की पोल खोली। आज सारे देश में चौकीदार चोर है का नारा लग रहा है। हमने प्रभावी ढंग से जनता के मुद्दे उठाए। मोदी जी के पास ऐसे में धनबल, मार्केटिंग, टीवी का प्रचार था और हमारे पास सिर्फ सच्चाई थी और सच्चाई की जीत होगी। दिल्ली में कांग्रेस मुख्यालय पर राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने बीजेपी और पीएम मोदी पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी ने विपक्ष की मजबूत भूमिका निभाई है। उन्होंने कहा, आज सारे देश में चौकीदार चोर है का नारा लग रहा है। विपक्ष के नाते उन्होंने जनता के मुद्दे उठाए हैं। उन्होंने कहा कि मोदी जी के पास असीमित धनबल, टीवी, मीडिया था और हमारे पास सच्चाई थी और सच्चाई की जीत होगी। ये तमाम बातें दिल्ली में कांग्रेस पार्टी के मुख्यालय पर आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने कही। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी ने मजबूती से विपक्ष की भूमिका निभाई है। हमने मोदी जी की भ्रष्टाचार विरोधी सच्चाई की पोल खोल दी है। आज सारे देश में चौकीदार चोर है का नारा लग रहा है। ये तमाम बातें कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कही है। आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव के 7वें चरण का चुनाव प्रचार का आज अंतिम दिन था और इसी अंतिम दिन बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही पार्टियों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है।